बड़ी खबर की बात करेंगे। आज देश की निगाहें इस खबर पर है। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी की आज ईडी के सामने पेशी होनी है। राहुल को सुबह करीब 10:30 बजे दिल्ली में ईडी दफ्तर पहुंचना है। साथ ही ये भी बता दें आपको कि लगातार कांग्रेस दफ्तर के बाहर अब हलचल तेज हो चुकी है। हालांकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अभी तक इजाजत नहीं मिली है मार्च करने की। नेशनल हेराल्ड केस में आज राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी होनी है। सुबह करीब 10:30 बजे राहुल गांधी को ईडी दफ्तर पहुंचना है। पिछले महीने ईडी ने सोनिया और राहुल को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। विदेश दौरे की वजह से 2 जून को राहुल पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए और खराब तबीयत की वजह से 8 जून को सोनिया भी पेश नहीं हुई। मई 2022 सोनिया राहुल को ईडी का नोटिस। 2 जून 2022 राहुल विदेश दौरे की वजह से पूछताछ में शामिल नहीं। 8 जून 2022 कोरोना के कारण सोनिया पूछताछ में शामिल नहीं हो पाई। गांधी परिवार को मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोपों का जवाब देना है। मामला नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ा हुआ है। गांधी परिवार पर नेशनल हेराल्ड की मदर कंपनी AJL को फायदा पहुंचाने का आरोप है। 2008 तक AJL पर 90 करोड़ का कर्ज था। 2008 नेशनल हेराल्ड बंद कर दिया गया। गांधी परिवार ने YIPL नाम की कंपनी बनाई। YIPL के जरिए AJL को पहले 90 करोड़ का कर्ज दिया, बाद में 90 करोड़ का पूरा कर्ज माफ कर दिया। AJL के 9 करोड़ के शेयर YIPL को दे दिए गए। YIPL के मालिक सोनिया राहुल के पास कंपनी के 76% शेयर है। आरोप है कि टैक्स स्टैम्प ड्यूटी चुकाए बिना ही AJL का अधिग्रहण कर लिया गया। शहर अंग्रेजी लगे हैं। वो बहुत दूर है। प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम। बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ए
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।